मैं स्टडी फार्मेसी में आज नॉइज पोल्यूशन की वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए जिससे क्या आपको आगामी वीडियो की जानकारी मिल जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ए नॉइज व्हेन इट डिस्टर्ब द हियर, ठीक ठीक है। तो क्या है जो मतलब ए साउंड मतलब क्या है, एक ध्वनि या जो है एक ध्वनि या साउंड जो है नॉइज मतलब शोर बन जाती है, क्या शोर बन जाती है, व्हेन जब, ठीक है, जब हियर मतलब सुनने वाले को क्या होती है डिफिकल्ट डिस्टर्ब मतलब क्या है परेशानी होती है, परेशानी करती है, ठीक है, ओके। नॉइज इट नॉइज इज डिफाइंड एज रॉन्ग साउंड इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, ठीक है। जब कोई रॉन्ग मतलब क्या है रॉन्ग साउंड मतलब क्या है, रॉन्ग साउंड का मतलब हो गया गलत ध्वनि, ठीक है। रॉन्ग प्लेस मतलब क्या है, रॉन्ग प्लेस मतलब गलत जगह पे, ठीक है। एट द रॉन्ग टाइम मतलब क्या है, गलत समय पर, ठीक है, गलत समय या गलत जगह पर, ठीक है। अगर आप लोग जो है वो शोर मतलब कि ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, नॉइस कर रहे हैं, तो क्या है वो ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स वेरी इन देयर टॉलरेंस टू नॉइज, ठीक है। तो क्या है डिफरेंट इंडिविजुअल मतलब अलग अलग व्यक्ति, ठीक है, शोर के प्रति अपनी टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस मतलब क्या है, भिन्न होते हैं, ठीक है। पर्सन एक्सपोज टू एक्सेसिव नॉइस फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड में सफर फ्रॉम मेनी हेल्थ हजार्ड, ठीक है। तो क्या है प्रोलॉन्ग पीरियड मतलब लंबे समय तक, ठीक है, एक्सेसिव नॉइज ठीक है मतलब क्या अत्यधिक शोर, ठीक है, के संपर्क में रहने वाले व्यक्ति, ठीक है, मेनी हेल्थ हजार्ड मतलब कई स्वास्थ्य खतरे से पीड़ित हो सकते हैं, ओके। अब देखते हैं इसके सोर्सेस, ठीक। तो सोर्सेस मतलब स्रोत, शोर के स्रोत, ठीक है। द सोर्सेज ऑफ नॉइस आर ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एयरक्राफ्ट डोमेस्टिक, तो ठीक है। तो क्या है जो शोर के स्रोत है, तो कौन कौन से हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियां हैं मतलब कि फैक्ट्री है, इंडस्ट्री मतलब उद्योग वगैरह है, फैक्ट्रियां हैं, एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है। डोमेस्टिक नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाय रेडियो टेलीविजन, जो डोमेस्टिक मतलब जो घरेलू शोर होता है, ठीक है, तो कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय रेडियो, ठीक है, टेलीविजन मतलब क्या है, रेडियो और टेलीविजन द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉइज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉइज मतलब कि शोर के गुण, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो जो शोर के गुण है, ठीक है, देख द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नॉइज आर लाउडनेस एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो दो महत्वपूर्ण, ठीक है, प्रॉपर्टीज है, गुण है, वो कौन कौन से है, लाउडनेस एंड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, लाउडनेस मतलब क्या है जोर या तीव्रता, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, ठीक है, ओके। अब देखते हैं पहला लाउडनेस। तो जोरनेस है तो लाउडनेस को देखते हैं, तो लाउडनेस में क्या है, लाउडनेस मतलब क्या बोलते हैं, तीव्रता या उसी को जो है क्या बोलते हैं, जोर, ठीक है। तो इट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन व्हिच ओरिजिनेट द नॉइज, ठीक है। तो क्या है यह वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन मतलब क्या है, कंपन के आयाम पर क्या करता है, डिपेंड मतलब निर्भर होता है, निर्भर करता है, व्हिच मतलब जो है ओरिजिनेट मतलब क्या है, ओरिजिन मतलब क्या है, पैदा होना या उत्पन्न होना, ठीक है, ओरिजिनेट द नॉइज मतलब जो शोर उत्पन्न करता है, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ नॉइज इज मेजर्ड इन डेसिबल्स, ठीक है। तो जो लाउडनेस या जो जोर है या तीव्रता है, तो उसको हम नॉइज को जो शोर है उसको जो मापते हैं, किससे मापते हैं, डेसिबल से नापते हैं, ठीक है। वन डेसिबल इज द स्मॉलेस्ट डिस्टिंग्विशेबल नॉइज, ठीक है, व्हिच कैन बी हियर्ड बाई ह्यूमन ईयर, ठीक है। तो क्या है जो क्या कहते हैं, वन डेसिबल,
ठीक है, तो वह 1 डेसीमीटर सबसे स्मॉलेस्ट मतलब क्या है, सबसे छोटी, ठीक है, भेद करने वाला शोर है, ठीक है, क्या है, भेद करने वाला शोर है, ठीक है, जिसे हुई मतलब जिसे, ठीक है, मानव बाय ह्यूमन ईयर मतलब क्या है, मानव कान से सुना जा सकता है, ठीक, ए डेली एक्सपोजर अप टू 85 डेसिबल इज द लिमिट, ठीक, तो क्या है मतलब 85 डेसिबल एक लिमिट मतलब क्या है, मतलब क्या है जो एक लिमिट है, ठीक है, मतलब 85 डेसिबल तक डेसिबल डेली क्या है, डेली एक्सपोजर वह लिमिट है, ठीक है, व्हिच पीपल कैन टॉलरेट विदाउट सस्टेंशन डैमेज टू देयर हियरिंग, ठीक है, मतलब पूरा समझना, ठीक है, ए डेली से लेके मतलब क्या है, एक डेली मतलब क्या है 85 डेसिबल तक डेली एक्सपोजर वह लिमिट है, ठीक है, वह लिमिट है जिससे बाई ह्यूमन ईयर मतलब क्या है मानव का कान, ठीक है, मानव कान से सुना जा सकता है, ठीक है, ओके, जिससे लोग जो है बिना उसकी सुनवाई पर पर्याप्त नुकसान पहुंचाए या उसको सहन कर सके, ठीक, डैमेज टू हियर हियरिंग, डैमेज टू हियरिंग, ठीक। अब देखते हैं एक्सेप्टेबल नॉइज लेबल्स आर गिवन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, तो जो एक्सेप्टेबल नॉइज लेबल है मतलब दिए गए हैं तो वो जो है टेबल निम्नवत है, ठीक है, तो क्या है रेसिडेंशियल मतलब क्या है आवासी, तो आवासी में जो बेडरूम है तो बेडरूम में कितना कितने डेसिबल 25 मतलब 25 डेसिबल तक, ठीक है, और लिविंग रूम में कितना है डेसिबल 40 मतलब 40 डेसिबल तक, ठीक है, ये जो है 40 डेसिबल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर इसके बाद कमर्शियल में कितना है, कमर्शियल में ऑफिस में जो है वो कितना है 35 से 45 डेसिबल, ठीक है, और जो कहीं कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो कितनी होना चाहिए 40 से 45 डेसिबल, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मतलब क्या है जो उद्योग वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वर्कशॉप में कितना होना चाहिए 40 से 60 डेसिबल, ठीक है, अगर वहीं पे कहीं अगर लेबोरेटरी है, ठीक है, अगर वर्क से इंडस्ट्री है तो लेबोरेटरी होगी, ठीक, तो लेबोरेटरी है तो लेबोरेटरी में 40 से 50 डेसिबल तक, ठीक है, अगर एजुकेशन की बात करते हैं मतलब शिक्षण संस्थान की या इंस्टीट्यूट की या कॉलेज की या जो है यूनिवर्सिटी की किसी की बात करते हैं, जैसे अपना हम फार्मेसी इंस्टीट्यूट की भी बात करते हैं, ठीक है, तो क्या है जो क्लासरूम में है, क्लासरूम में कितना होना चाहिए 30 से 40 डेसिबल मतलब 30 से 40 डेसिबल, और जैसे लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में आप देखते हैं ना एकदम लाइब्रेरी में शांत मतलब माहौल रहता है, वहां पे कितना डेसिबल तक होना चाहिए 35 से 45 डेसिबल तक होना चाहिए, ठीक है। अब हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हॉस्पिटल के पास जो हॉस्पिटल वार्ड होते हैं, ठीक, जहां पेशेंट एडमिट होता है, ठीक, तो जहां पेशेंट एडमिट होता है तो वहां पेशेंट जहां पे एडमिट होता है वहां पे कितना होना चाहिए 20 से 35 डेसिबल, ठीक, क्योंकि अब वो मरीज जो है मान लो किसी प्रॉब्लम से ग्रसित है और वहां शोर मच रहा है तो उसका क्या है, उसको कुछ अगर रिलीफ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, वो तुम्हारे शोर से मर जाएगा, ठीक है, बीमारी से तो पहले जो है मरेगा मगर वो शोर से पहले मर जाएगा, ठीक है। अब बाबू क्या देखते हैं फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी देखते हैं, फ्रिक्वेंसी मतलब क्या है आवृत्ति, ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, इट इज नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड मतलब प्रति सेकेंड, वेव मतलब तरंगों की संख्या, नंबर ऑफ वेव्स मतलब तरंगों की संख्या, ठीक है, ठीक, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब जो आवृत्ति की यूनिट है मतलब कौन सी यूनिट है, इकाई कौन सी है, हर्ट्ज, ठीक है, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वेव पर सेकेंड मतलब क्या है, 1 हर्ट्ज बराबर क्या है 1 वेव पर सेकेंड मतलब 1 हर्ट्ज प्रति सेकेंड एक तरंग के बराबर होता है, ठीक, मतलब क्या है 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वेव पर सेकेंड
मतलब 1 हर्ट्ज बराबर 1 वेव पर सेकेंड, ठीक, मतलब 1 हर्ट्ज प्रति सेकेंड एक तरंग के बराबर होता है, ठीक। वी कैन हियर द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 2 to 20,000, मतलब क्या है 20 to 20,000, ठीक ठीक है। तो क्या है, हम फ्रीक्वेंसी को रूप में क्या है 20 से 20,000, ठीक है, हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इससे ज्यादा हो जाएगा तो नहीं सुन पाएंगे, ठीक। अब इसके बाबू का देखते हैं हेल्थ इफेक्ट ऑफ नॉइज एक्सपोजर, ठीक है, जो नॉइज हेल्थ इफेक्ट करते हैं नॉइज वगैरह से, उसको देखते हैं। तो क्या है, पहला क्या है, एडोटरी इफेक्ट। एडोटरी इफेक्ट मतलब क्या है, श्रवण प्रभाव। अब इसके एडोटरी इफेक्ट के अंदर दो चीजें हो गई, कौन कौन सी हो गई, एडोटरी फैटिग, मतलब क्या है एडोटरी मतलब फैटिग, मतलब क्या है श्रवण थकान। अब मान लो इतना ज्यादा आप शोर मचाओगे, अगर मान लो कहीं पर शोर हो रहा है, बहुत तेज शोर हो रहा है, ठीक है, तो क्या है धीरे 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 मनुष्य उसको जो है सुन सुन के, वो जो है उसकी हार्ट जो है उसकी जो डेसी जो हार्ट जो सुन रहा है उसको सुन सुन, उसकी जो वॉइस सुन रहा है तो उसको सुन सुन के थक जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एडोटरी इफेक्ट हो गया। अब क्या है डिफेंसनेस, मतलब क्या है अपन, ठीक। अब मान लो कि जब आपने इतना ज्यादा क्या कहती है शोर मचा दिया कि वो आदमी बहरा हो गया, या मान लो बहरा है, ठीक है, अब उसको शोर मचाए पड़े हैं, तो क्या है ये सब जो है हेल्थ इफेक्ट, मतलब क्या है स्वास्थ्य में प्रभाव डालते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं नॉन एडेटरी इफेक्ट, मतलब क्या है गैर श्रवण प्रभाव, ठीक है, या नॉन एडेटरी इफेक्ट। तो क्या है, पहला क्या है इंटरफेरेंस विथ स्पीच, मतलब क्या है भाषण के साथ हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस, ठीक है। तो क्या है नॉइज इंटरफेरेंस विथ स्पीच कम्युनिकेशन, मतलब क्या है कम्युनिकेशन स्पीच के साथ नॉइज इंटरफेरेंस करना, ठीक है, ओके। फिर दूसरा क्या है एनोएंस, एनोइनेंस मतलब क्या है झुंझलाहट, ठीक है। तो क्या है न्यूरोटिक पीपल आर मोर सेंसिटिविटी सेंसिटिव टू नॉइज देन बैलेंस्ड पीपल, ठीक है। तो क्या है जो संतुलित व्यक्ति हैं, मतलब बैलेंस्ड पीपल हैं, संतुलित लोगों की तुलना में, ठीक है, संतुलित लोगों की तुलना में न्यूरोटिक पीपल क्या है शोर के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर क्या है इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब क्या है दक्षता, ठीक है। तो नॉइज रिड्यूस इफिशियंसी मतलब क्या है शोर जो है दक्षता को कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है। बाबू क्या देखते हैं नॉइज कंट्रोल, तो देखिए नॉइज कंट्रोल मतलब क्या है शोर को नियंत्रण करना, ठीक है। तो नॉइज कंट्रोल, ठीक है, नॉइज कंट्रोल, ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द नॉइज कंट्रोल आर, ठीक है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है मतलब क्या है जो बेसिक सिद्धांत है, ठीक है, किसके लिए नॉइज कंट्रोल के रोकने के लिए, ठीक है। तो आर पहले देखते हैं कंट्रोल ऑफ, ठीक, कंट्रोल ऑफ नॉइज एट सोर्स, ठीक है, यहां पे वी टाइप करने में धोखे से वी लिख गया, ठीक है, वी नॉइज नहीं, ठीक है, नॉइज, ठीक। तो क्या है कंट्रोल ऑफ नॉइज एट सोर्सेस, ठीक है, तो मतलब क्या है शोर नियंत्रण पर स्रोत, ठीक है। तो क्या है नॉइजी मशीन शुड बी सेग्रेटेड एंड द नॉइज मस्ट बी मिनिमाइज्ड बाय अप्लाइंग साइलेंसर आर नॉइज रिड्यूसर टू मशीन, ठीक है। तो क्या है नॉइज मशीन, ठीक है, या नॉइज मशीनों को क्या करना चाहिए अलग करना चाहिए, और मशीनों पर क्या है मशीनों पर साइलेंसर या शोर कम करने वाले, ठीक है, क्या करना चाहिए यंत्रों को लगाकर शोर कम किया जाना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, ओके, ठीक है। टीवी रेडियो रेडियो ईटीसी शुड बी प्लेड एट द लो वॉल्यूम टॉलरेबल टू एवरीवन इन द हाउस, ठीक है। तो क्या है टीवी रेडियो आदि को लो वैल्यू मतलब कम मात्रा में, ठीक है, जो सहन करने योग्य हो, तो
क्या होना चाहिए अपने हाउस वगैरह में, ठीक है, क्या करना चाहिए, कम खोला जाना चाहिए, ठीक है, प्रत्येक हाउस में, ठीक है, एवरी इन इन द हाउस, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, तो देखिए दूसरा क्या है, कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन। तो कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन मतलब क्या है, संचरण द्वारा नियंत्रण या संचरण का नियंत्रण, ठीक है। तो क्या है, मे बी अचीव्ड बाई बिल्डिंग इनक्लोजर्स, ठीक, एंड कवरिंग रूम वॉल्स विथ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, रूम की वॉल्स मतलब रूम की या कमरे की दीवारों को, ठीक है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ठीक है, जो एब्जॉर्ब कर सके मटेरियल के साथ, क्या करना चाहिए, कवर, कवर करके प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन, ठीक है, तो मतलब क्या है, जो उजागर व्यक्तियों का संचरण है, ठीक है, ओके, या उससे जो है क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा के लिए, ठीक है, ठीक। तो क्या है, वर्कर्स शुड बी रेगुलरली रोटेड फ्रॉम द नॉइजी एरियाज टू क्यूट एरियाज एंड दे शुड यूज पर ईयर प्लग, यूज ईयर प्लग, ठीक है, प्लग्स, ठीक। तो क्या है, जो क्या कहते हैं वर्कर्स हैं, ठीक है, तो वर्करों को क्या है, रेगुलरी रूप में, रेगुलरी मतलब क्या है, नियमित रूप से, ठीक है, नियमित रूप से नॉइजी एरियाज, ठीक है, नॉइजी एरिया से मतलब क्या, जो जहां से ज्यादा शोर हो रहा हो, तो ठीक है, तो वहां से क्यूट एरिया मतलब शांत क्षेत्रों में क्या, रोटेट मतलब घुमाया जाना चाहिए, और उन्हें ईयर प्लग का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, क्या, ईयर प्लग का उपयोग करना चाहिए। अब आता है हमारा लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब विधान, ठीक है, ठीक। तो देखिए लेजिस्लेशन, एक्यूट लेजिस्लेटिव मीजर्स शुड बी इनफोर्स्ड, ठीक है, तो मतलब क्या है, पर्याप्त लेजिस्लेशन मतलब क्या है, पर्याप्त विधायी उपायों को, ठीक है, क्या करना चाहिए, लागू, यूज, ठीक है, मतलब मीजर्स वगैरह क्या है, लागू किया जाना चाहिए, लाइक सॉरी एग्जाम्पल, जैसे जैसे क्या, रेस्ट्रिक्शन ऑन वन ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है। तो क्या है मतलब कि रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लाउड स्पीकर मतलब क्या होना चाहिए, लाउड स्पीकर के उपयोग पर रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्शन से मतलब क्या है, प्रतिबंध करना चाहिए, ठीक है। नॉन नो हॉर्न जोन्स नियर हॉस्पिटल, ठीक है, तो क्या है, हॉस्पिटलों के पास कोई हॉर्न जोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यूज ऑफ प्रेशर हॉर्न शुड बी बैंड, ठीक है, तो जो प्रेशर हॉर्न का उपयोग पर क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, ठीक है, या प्रेशर हॉर्न को बंद कराना चाहिए, ठीक है, ओके। अब कैसे कैसे एजुकेशन के थ्रू हम जो है लोगों को क्या कर सकते हैं, हम इस नॉइज पोल्यूशन को रोक सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक। अब द पब्लिक शुड बी एजुकेटेड मतलब क्या है, जनता को जागरूक करना चाहिए, एजुकेटेड अबाउट द हजार्ड ऑफ नॉइज मतलब किसके विरुद्ध, अबाउट किसके बारे में, खतरों के बारे में, शोर के खतरों के बारे में, और मेजर्स टू रिड्यूस, ठीक है, मतलब क्या है, इसे कम करने के उपाय के बारे में शिक्षित करना चाहिए, जहां तक हो सके तहां तक, ठीक है, ठीक, मतलब जनता को खतरनाक शोर और इसे कम करने के उपायों के बारे में क्या करना चाहिए, एजुकेटेड करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, जहां तक हो सके, ठीक है, वहां तक करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ओके। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है, आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है, और जल्दी से जल्दी जो है लाइव आने का मुझे मौका दीजिए, काफी टाइम हो चुका है, लाइव आने का मौका दीजिए आपको, ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर।